गाँव के विकास के लिए पंचायत स्तर में पंचायत का गठन किया जाता है ताकि गाँव का विकास हो सके, लेकिन विडम्बना ये है कि जिस पंचायत का जिस सरपंच सरपंच का चुनाव किया जाता है वही आकर यहाँ करप्शन करती है और जनताओं का पैसा चूसती है। और जैसे कि लगातार ये शिकायत मिलते रहता है कि ग्राम पंचायत स्तरों में राशन कार्ड को लेकर, पेंशन को लेकर और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर लगातार शिकायत मिलते रहती है कि सरपंच पंच सरपंच और जो गांव के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा गबन किया जाता है। जैसे कि अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड के मामले में यह लगातार बात सुनने को मिलता है कि पंच सरपंच जो प्रतिनिधि उनके द्वारा पैसे की मांग की जाती है और यही मामला ग्राम सेवार में देखने को मिला है और यहाँ ग्रामीण लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और इसके निवारण के लिए आज शिविर का आयोजन किया गया है और इसके लिए तहसीलदार महोदय भी आए हुए हैं। आइए, यहाँ ग्रामीण लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? संतोष कुर्रे। जैसे यहाँ शिविर लगाया गया, इसका कारण क्या है? उसका कारण जो समस्या है राशन कार्ड में 2000-3000 मांग रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पैसे की मांग की जाती, किसके द्वारा पैसे की मांग की जाती है? अब वो माने जेखर से बना था राशन का बना था सम... नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, पंच के द्वारा पैसे की मांग की जाती, सरपंच के द्वारा पैसे की मांग की जाती, किसके द्वारा? पंच सरपंच द्वारा नहीं है, जो उसका माने जो मैं बनवाद हम बोला थे वो लदे थे, गांव के नागरिक लदे थे। अच्छा, जो भी होकर माने योजना है तेन वाला मांग मांग के बनवावा थे। अच्छा, आप बताइए पैसे की मांग किनके द्वारा की जाती है? पैसे की मांग किसी तरफ नहीं की, सुनने को मिल रहा है कि राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड बना जरूरत है। अच्छा, उन लोग पैसे देने के लिए इन्वॉल्व है। अच्छा, ताकि मेरे बने नियम से नहीं बनेगा उसको। अच्छा, मतलब ये बताइए पैसा लेकर कार्ड बनाया जा रहा है कि नहीं? 2011 में उसका परिवार अलग पृथक नहीं हुआ था, जनगणना हुआ था। तो अभी फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे हैं। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, पैसे लिया जा रहे हैं कि नहीं? पैसे लिया जा रहे हैं, नहीं बस जा रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक, आप लोग बताइए, इधर आइए ना, आप लोग सब गांव के हैं, ये बताइए राशन कार्ड के लिए पैसे की मांग की जा रही है कि नहीं? जारी किया थे। कितना पैसा लिया जा रहा है राशन कार्ड के लिए? राशन कार्ड के लिए कभी 2000 लेता है, कभी 3000 लेता है। किनके द्वारा पैसे की मांग की जाती है? ये इनका कथे अब देकर पहुँचे थे। नहीं नहीं, पंच मांग रहे कि सरपंच मांग रहे, कौन पैसे मांग रहे हैं? अभी लाते इन पंच में मांगा थे। अच्छा, जो गांव के प्रतिनिधि इनका कथे कार्यकर्ता है जिन हाँ जेकर पहुँचे थे ना। अच्छा, ग्राम सेवार में लगातार शिकायत मिल रहा है और शिकायतों का यहाँ अंबार लगा हुआ, इसी सिलसिले में हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप लगाया जा रहा है क्या वो सही है कि मिथ्या। ये बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं भैया मैं 100 बार फार्म भरने में इतना ऊँचा के, लेकिन वो राशन कार्ड अभी तक से नहीं बनी, शुरू से एंड तक 17-18 साल हो गए। 17-18 रुपये किलो में मैं खरीद के चावल। अच्छा, आपका राशन कार्ड नहीं? हाँ, राशन कार्ड के लिए मोला ज्यादा दिक्कत है। क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा? बनवाने के लिए बोला जा भैया, राशन कार्ड के लिए पैसे की मांग की जा रही, क्या सही है? पैसा मांग किया जाते हैं। कितना पैसा मांग? 3500। 3500 रुपए की मांग की जा, किनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है? राशन कार्ड बनवाने के लिए पंच मांग रहे, सरपंच मांग रहे, कौन पैसा मांग रहे ये बताइए? पंच लोग नहीं मांग रहे हैं, ऐसे गांव के अधिकारी है, किसी के पास बोलो राशन कार्ड हमारे लिए बनवा दो तो 3500 रुपया दो तभी। अच्छा, आपके यहाँ राशन कार्ड कौन बनाता है? हमारे यहाँ राशन कार्ड सरपंच बनाते हैं, सचिव बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा 3500 रुपए की मांग की जा रही है। देखिए, आज यह स्थिति बनी हुई है कि सर जैसे कि गांव के विकास के लिए प्रतिनिधि का तो चयन किया जाता है, लेकिन उन्हीं के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार गांव के प्रतिनिधि लोग भी है। और यहां के लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आए और आवाज़ उठाए और बातों को सामने रखें। और बताइए पंच कौन कौन है? यह भी बात सुनने को मिल रहा है कि कोई भी योजनाओं को फर्जी तरीके से प्रस्तावित कर उसे लागू किया जा रहा है और पैसे निकाला जा रहा है, क्या ये सही है? फर्जी तरीके से मतलब पैसा मांग निकाला जा रहा है, पंच में मीटिंग नहीं होता है। वही बोल रहा हूँ कि पंचों का सलाह नहीं लेकर बिना प्रस्ताव के पैसा निकाला जा रहा है। हाँ, बिना प्रस्ताव के पैसा निकाला जा रहा है, कोई पंच लोग को बुलाता नहीं है ना सलाह लेता है। अच्छा, जैसे कि आप लोग पंच है, आप पंच प्रतिनिधि है, तो जैसे इसके लिए आप सरपंच से शिकायत किए होंगे, तो उनका क्या कहना है?
सरपंच से शिकायत करते हो जा करके बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। अच्छा, आपसी मीटिंग में अपना कर लेते फर्जी। अच्छा, हम ये बताइए आज जो शिविर रखे गए इसका कारण क्या है? इसका कारण यही सब सबके हम लोग साहब से जाके शिकायत किए हैं, तब साहब आया है छानबीन कर रहा है। अच्छा, कहाँ शिकायत की? हम बिलहम की शिकायत किए हैं। तो अभी जैसे शिविर में कौन से अधिकारी आए हुए हैं? सीओ साहब आए हैं अभी, तहसीलदार। अच्छा, उनका भी क्या कहना है? उसका कहना कि हो जाएगा करके बोल रहा है तहसीलदार साहब, जाँच कर। आप लोग ये बताइए यहाँ जो सरपंच है क्या उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। उनका काम कैसा है? उसके काम सही नहीं है भैया, ना बाथरूम बना है ना कुछ नहीं घर में। अच्छा। अभी सूखा दिन में तो गुजर कर लेते हैं, बरसात में बहुत दिक्कत होते हैं। अच्छा। हाँ, आप लोग देखिए कैसे सरपंच के खिलाफ आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सरपंच की खामियां को प्रदर्शित करती है। मतलब जॉब कार्ड बनाने के लिए यहाँ 200 रुपये मांग किया जाता है। अच्छा। रोजगार सहायक। अच्छा। तो अपने मतलब वार्ड में हम काम करा नहीं पाते हैं। अच्छा। ना उसका बनवा पाते हैं। अच्छा। तो उसका भी रोजगार सहायक का क्या नाम है? इसका नाम तो महिला है तो नाम नहीं जान पा रहा हूँ। अच्छा। उनके द्वारा 200 रुपये की मांग की? हाँ, 200 रुपये की मांग किया जाते हैं नाम जोड़ने के लिए। और हम खुद पंच हैं, पंचपति हैं, उसके हमारे खुद मतलब अभी काम नहीं कर रहा है गोदी का। अच्छा। हमारा काम ही नहीं, हमारा नाम नहीं आता है। अच्छा, अभी है क्या ग्राम सेवक यहाँ है? आपका नाम क्या है? महेश्वरी रजक। आप कौन से पोस्ट पर कार्यरत? रोजगार सहायक। अच्छा, जैसे कि यहाँ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जॉब कार्ड के बदले 200 रुपये और 500 रुपये की मांग की जा रही है, क्या ऐसे ही है? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कौन आदमी ये बताइए क्या मेरे को 200 रुपये दिया है, 500 दिया, उस आदमी को लेकर आओ पहले। अच्छा, ये बताइए क्या लोग जो बोल रहे हो गलत है? गलत है। अच्छा, आप लोग बताइए जैसे 200 रुपये मांग की जा, खुद लिया है 400 रुपये मेरा भाचा लोग घर में है, घर में बुलवा के साबित करवा सकता हूँ। अभी कई आदमी बनाया हुआ है, साबित हो ही साबित हो जाए, चिंता नहीं करना है। 600 दिया हूँ, पंचपति हूँ, 600 दिया हूँ जॉब कार्ड के लिए। जॉब कार्ड के लिए 600 मेरे से लिए है, मेरे को दिए हो? अपने पति से रोजगार सही का वसूली कराता है। अच्छा, ये इनके पति है। ये बताइए क्या ये बोल रहे हो सही? वो खुद अपने भाई मतलब आप के हिसाब से झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। फर्जी राशन कार्ड बनवाए हैं, 2500 रुपये दे के, खुद अपने हाथ से 2500 रुपये नगद दे के अपन राशन कार्ड बनवाए हैं अपने भाई का। आप बताइए आप किन्हें 200 रुपये दिए? 500 रुपये दिए थे, 2500 रुपये उसको क्यों दिए हो? तो आपको तो मेरे को देना चाहिए। अपने पति से सर वसूली कराता है। अच्छा, ये अपने पति से वसूली कर, इसको अपना रखा प्रतिनिधि रखा है। आप लोग शांत रहिए, मैं जिन और यहाँ बहुत फर्जी 50% लेकर के मनरेगा में काम चला रहे हैं, जो वहाँ जाता भी नहीं है। एक भी हमारे पास प्रूफ है, सबूत है, हम दिखा देंगे आपको। उतना कितना हाजिरी भाड़ा है, कितना है, सब दिखा देंगे आपको। पूरे एक एक प्रूफ है हमारे पास, 50% में काम करते हैं। और जो वास्तविकता में काम करते हैं उसका पैसा काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि दूसरे का, क्योंकि लोग भरेंगे इसमें से, काट के उसमें मैनेज करेंगे, इसलिए है। अब आप बताइए 200 रुपये की मांग की जाती है, जैसे ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आप एक मिनट, आप ग्रामीण को बुलाइए ना। तो क्या इन लोग ग्रामीण नहीं है? इन लोग ग्रामीण है। अच्छा, मेरे को तो भैया कोई मेरे को 200 रुपये लाके नहीं दिए। ये बताइए आपका पति कौन सा नंबर है? इनका दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं है भैया, इनका भी लखा नहीं, इसकी वाइफ है, तो वाइफ को लाइए। ये हम गाड़ी से सिलाई कराए, पंचायत से बात कराए, गांव वाले लोग गांव वाले लोग पैसा लिया गया जॉब का।